अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्मोक स्क्रीन वन एक्ट प्ले का तीसरा क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लूसी एंड आंट सूसन। दीज आर टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द वन एक्ट प्ले स्मोक स्क्रीन। एक इसमें आंट सूसन है और एक लूसी है। इन दोनों के दरमियान भी एक कन्फ्लिक्ट है एंड देयर मेन पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट इज also generation gap, and the first the conflict between Aunt Susan and Lucy is that Aunt Susan thinks that Lucy spoiled Primrose. The first point of conflict isme hai ki Aunt Susan ka khayal hai ki Lucy ne apni beti Primrose ko kharab kar diya hai, bigad diya hai. She has not brought her up according to the Victorian morality. विक्टोरियन एज की जो अखलाकियात हैं, जो उनके ख़ानदान का स्ट्रक्चर है, विक्टोरियन मोरालिटी है, आंट सूसन का ख्याल है कि उसने अपनी बेटी को उन अखलाकियात के तहत परवान नहीं चढ़ाया, उसकी परवरिश नहीं की। शी हैज़ स्पॉइल्ड हर बाय टेलिंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट हर फादर, कि उसने उसके बाप के बारे में उसको गलत इंफॉर्मेशन देकर, गलत बताकर बिगाड़ दिया है। However, Lucy defends herself and says that what she did was right. लेकिन लूसी अपनी बात पर अटकी हुई है। वो कहती है, वो अपना वो उसको ये कहती है, अपना डिफेंस करती है ये कहते हुए कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो ये एक इन दोनों के दरमियान पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है। आंट सूसन बिलीव्स इन द विक्टोरियन मोरालिटी। She is conservative and believes that children should be treated very harshly and they should be spanked to teach discipline. बीस में क्या है कि जो आंट सूसन है, she is conservative, वो कदामत पसंद है, पुराने ख्यालात की है और उसका ख्याल है कि बच्चों को सख्ती के साथ डील करना चाहिए और जब ज़रूरत पड़े तो उनको नज़म व ज़ब्त सिखाने के लिए मारना भी चाहिए। She also believes that parents should use power of the purse to prevent children from doing undesirable things. और उसका यह ख्याल भी है कि वालदैन को पर्स की पावर, पैसे की पावर, यानी कि उनको जो मॉनिटरी फैसिलिटीज़ हैं या पैसे की फैसिलिटी है या पॉकेट मनी है, उसको उसकी थ्रेट भी यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं गलत हरकतें ना करें। लूसी रिप्रेजेंट्स ओल्ड बट लिबरल माइंडेड जनरेशन। और उसके बरक्स जो लूसी है वो लिबरल माइंडेड है, आज़ाद ख्यालात वाली है एंड डज नॉट बिलीव इन द विक्टोरियन मोरालिटी, और जो विक्टोरियन अखलाकियात हैं वो उन पे यकीन नहीं रखती। द पीपल ऑफ दिस जनरेशन बिलीव गिव आवर चिल्ड्रन अ बेटर टाइम देन वी हैड आवरसेल्व्स। और जो जिस जनरेशन के साथ ताल्लुक़ रखती है लूसी, उनका ख्याल है कि बच्चों को एक अच्छा वक्त देना चाहिए, उनको वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं थी। देयरफॉर द पीपल लाइक लूसी डू नॉट ट्राई टू डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन। जो लूसी की तरह के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को नज़्म व ज़ब्त नहीं सिखाते। दैट इज़ वाई लूसी डज नॉट स्टॉप प्रिमरोज फ्राम डूइंग एनीथिंग। इसी वजह से कोई भी काम करने से लूसी प्रिमरोज़ को नहीं रोकती। आंट सूसन सेज दैट शी हैज़ स्पॉइल्ड प्रिमरोज़ बाय टेलिंग हर दैट हर फादर वाज अ स्काउंड्रल एंड हर मदर वाज अ फूल। फिर आंट सूसन कहती है कि उसने अपने बेटी को यह कहकर ख़राब कर दिया है कि उसका बाप एक बदमाश था, बुरा आदमी था, एंड हर मदर वाज अ फूल हु मैरिड हिम। और उसकी माँ बेवकूफ़ थी जिसने उसके साथ शादी की, उस बुरे आदमी के साथ शादी की। लूसी सेज दैट शी डिड दैट बिकॉज शी हैड टू जस्टिफाई हर डिवोर्स बिफोर प्रिमरोज। तो उसका ये ख्याल है कि लूसी ये अपने शोहर को, साबका शोहर को बुरा इसलिए कहती है कि वो अपनी तलाक को जस्टिफाई करना चाहती है प्रिमरोज़ के आगे, ताकि प्रिमरोज़ कोई ऐसा सवाल ना करे कि उसका बाप ठीक था और उनकी डाइवोर्स गलत हुई है, कि उसकी माँ गलत थी। वो अपने आप को ठीक साबित करने के लिए अपने शोहर को गलत कहती है। देयरफॉर
we can conclude that the conflict between Aunt Susan and Lucy is that, यहाँ क्या है कि हम इसका नतीजा अख़ज़ करते हैं इन सब बातों से कि जो आंट सूसन और लूसी के दरमियान कन्फ्लिक्ट है वो ये है कि आंट सूसन थिंक्स दैट लूसी हैज़ स्पॉइल्ड प्रिमरोज, कि आंट सूसन का ये ख्याल है कि उसने लूसी को बिगाड़ दिया है। शी हैज़ नॉट बॉट हर अप अकॉर्डिंग टू द विक्टोरियन मोरालिटी, और विक्टोरियन एज की अखलाकियात के मुताबिक उसकी परवरिश नहीं की। शी हैज़ स्पॉइल्ड हर by telling her wrong things about her father, कि अपने बाप के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उसने उसको ख़राब कर दिया है। However, Lucy defends herself and says that what she did was right. लेकिन Lucy इस बात को भी डिफेंड करती है, ख़ुद को डिफेंड करती है इस बात पर कि उसने जो कुछ किया है वो ठीक है। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन लूसी एंड द आंट सूसन। तो इसको आप पढ़ें, मेमोराइज़ करें और इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। थैंक्स अ लॉट।